फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो फ्रेंड? सुबह हो गई है और ये मैं गिलोई शहद और काली मिर्च का पानी पी रही हूँ। सुबह सुबह स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अब मैं अपने बेटे को उठाती हूँ पानी पी के। हाँ, मैंने लंच भी रेडी कर दिया है। अभी बड़े बेटे को स्कूल भेज रही हूँ, फिर छोटे को स्कूल भेजूंगी। इनका लंच मैंने स्कूल के लिए सूखे चने भी बन गए हैं। छोटा बेटा मेरा सब्जी खा नहीं रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने सूखे चने ही बना दिए आज। ये सूखे चने इनको पसंद है, स्कूल में लंच में दे दूँगी। ये बड़े वाले का लंच मैंने डाल दिया है, ये बड़े वाले का, और ये छोटे वाले का भी डाल दिया है, छोटे वाले का भी डाल दिया है। अब ये बड़ा वाला बेटा मेरा स्कूल जाएगा। अरे उठ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, उठो बेटा। गुड मॉर्निंग बोलो। अब स्कूल की प्रिपरेशन करो। आ तो टेस्ट भी ऐसा है ना आपका। जाओ बेटा, फिर उठो, जल्दी उठो, ब्रश कीजिए। और पानी पियेंगे आप गिलोई का, हनी का? हनी का, हाँ सही, अच्छा होता है बेटा, मॉर्निंग में पीना चाहिए। ठीक। वाह यार, आरो ब्रेकफास्ट करके रेडी भी हो गया यार बड़ी जल्दी। वाह क्या बात है। कॉलर भी सही करो बेटा, कॉलर भी सही करो। और कौन सा टेस्ट है आपका? एसएसटी का। पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी ना? बहुत अच्छे का चैप्टर आ रहा है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मुझे 2 महीने जब दिया था रहे वो याद है। आप देखते हैं कैसे मार्क्स लेके आते हो आप। फटाफट बटर लगाइए, रेडी हो जाइए, अभी ब्रेकफास्ट भी करूंगी आप। लंच डाल दिया आपका, सब हो गया। बैग भी रेडी कर दिया आपने? हाँ कर दिया। और चलो हो गए रेडी। वाह सब चीज नीचे फैला रखा है, बस रेडी। अरे ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या? हाँ मम्मा, मुझे जुकाम हो गया तो इसलिए क्या बोलते मैं रोटी खा रहा हूँ। अच्छा, चना और रोटी ना आपको पसंद है ना? हाँ खाओ आ रहो यार। अभी बस आएगी आपकी, कितने में आती है बस? 7:20 में ना? हाँ। अच्छा फिर रेडी हो जाना, बाहर खड़े हो जाना। खाओ धीरे धीरे खाओ, रोटी तो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, पराठा ही पसंद है ना? नहीं, आजकल तो इतना जुकाम हो रहा है आपको, खांसी भी तो हो रही है, हो रही नहीं हो रही? हो रही है। तो रोटी खाओ जब तक जुकाम ठीक नहीं होता है। जल्दी उठा, छोटा भैया तो सब्जी खा नहीं रहा है, उसी के लिए तो चने बनाए हैं। कोई भी सब्जी नहीं खा रहा आजकल, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, बस आजकल बहुत ड्रामा कर रहा है। मुझे सारे सब्जी पसंद है। आपको तो अच्छा, आप वो भी खाते हो, लौकी भी खाते हो? झूठ बोल रहे हो, ब्रिंजल खाते हो? ब्रिंजल और सलजम खाते हो? बहुत सारी, आप भी बहुत नखरे करते हो सब्जी खाने में, सारी सब्जियां खानी चाहिए। हम तो बचपन में सारी सब्जियां खाते थे, अभी भी खाते हैं सब, जो पसंद है नहीं है सब खाते हैं। जब तक टेस्ट से नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि कौन सी सब्जी अच्छी है या गंदी है? ये मेरा बेटा बस का वेट कर रहा है, अभी 20 में इसकी स्कूल की बस आएगी, यहीं पे आती है घर के पास में। चलो ना वहाँ चलो, आ रही है शायद बस, अभी आएगी, ऊपर से आती है थोड़ी देर। वो देखो आरो की बस आ गई है, स्कूल बस आ गई है, आरो बस आ गई है बेटा, बाय बाय बाय। सीट मिल जाती है ना? हाँ ठीक है ठीक है, बाय 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 बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। अब आप भी तो रेडी होंगे ना स्कूल जाने के लिए? हाय बोलो, हाय फ्रेंड बोलो, कुछ नहीं बोलते हो आप? हाय हेलो बोलो, हाय। खांसी भी बहुत है ना बेटा आपको? हाँ। फीवर भी था ना, है ना? स्कूल जाओगे अभी आप ना? मम्मा आपको स्कूल पहुंचाएगी ना? ठीक है, ओके देन बाय। हाँ क्या बोल रहे बेटा बोलो? मेरी मामा अच्छी है। हाँ हाँ, और अभी आप कह रहे थे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं बता तो दो। मुझे प्यार करती है। अच्छा मम्मा प्यार करती है। हाँ। अच्छा और क्या बोलना चाह रहे हैं आप?
बोलिए बोलिए बोलिए। और बस इतना ही? आप तो बोल रहे थे भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बस हो गया, भैया चले गया स्कूल, अब आप भी रेडी हो गए। आज आपके लिए चना बनाया है, आप सब्जी कुछ खा नहीं रहे हैं। मुझे चना नहीं पसंद। चना पसंद है आपको, खाते तो वो। फ्रेंड्स, कल शाम को स्कूल से आते ही मेरा बेटा सो गया था, होमवर्क भी नहीं किया, अभी होमवर्क कर रहा है। चलो करो बेटा फटाफट, पे स्कूल भी जाना है। थ्री फिर थ्री 33। छोटा बेटा अब स्कूल जा रहा है, मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। वैसे तो स्कूटी से जाती हूँ मैं छोड़ने, लेकिन आज मैं पैदल पैदल जा रही हूँ कि थोड़ा मतलब इसका वॉक भी हो जाए, क्योंकि ये चलते नहीं है लोग। बेटा दौड़ो मत, धीरे धीरे आगे देख के नीचे देख के चलिए, नीचे देख के। उसके साथ के बच्चे आगे चले गए हैं, इसलिए वो भागते हुए जा रहा है ताकि उनको पकड़ सकूं। बेटा आराम से बेटा, अभी मिल जाएंगे वो लोग, अभी हम उनको मिल लेंगे बेटा। चलिए धीरे धीरे चलिए, नीचे देख के चलिए, अभी हम उनको पकड़ लेंगे। चलिए बेटा, क्यों रो रहे हो, क्यों बेटा, क्या हुआ? चलो क्या हुआ, फिंगर कट गई क्या? आओ जल्दी आओ, आओ देखो ये, मैं अपने बेटे को स्कूल लेके जा रही हूँ पैदल पैदल। मैं पैदल पैदल चलते हुए, वॉक करते हुए, इससे मेरे बेटे की थोड़ी चलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलता बिल्कुल नहीं है ये, थक भी जाता है बहुत जल्दी, अगर पैदल ले जाऊँ तो थक जाएगा ये। इसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, इसीलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। ज़्यादा दूर होता तो मैं भी नहीं चल पाती शायद। हाँ बेटा, आप थक जाते हो क्या? कल से स्कूटी में चलेंगे या पैदल? किट्टू देखो, आपका स्कूल पहुँच गया, हम पहुँच गए आपके स्कूल। वो ये रहा आपका स्कूल, नयन भी पहुँच गया स्कूल। बस हम भी पहुँचने वाले ही हैं, लेकिन पैदल चल के बड़ा मज़ा आ रहा है, सुबह धूप भी। हम स्कूल आओ, ये लो बैग, ये लो बैग, आ जाओ बैग तो। मेरे छोटे बेटे की मौसी स्कूल में, ये लो बेटा, ये भी पहुंच गया स्कूल। और पता नहीं ये दीदी आज पता नहीं क्या बांट रही है। दीदी क्या बांट रहे हो आप, पंपलेट? आर्मी की ट्रेनिंग। अच्छा आर्मी की ट्रेनिंग, अच्छा मैं भी ले लूँ क्या? हाँ दीदी मैं भी ले लूँ। अच्छा ये है मेरे बेटे का स्कूल, ये है विजडम एकेडमी, ये है स्कूल। ठीक है बाय बेटा, बाय 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 दीदी, बाय बाय। मैं अपने बेटे को छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं पैदल ही पैदल घर जा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है मेरा, तभी मैं पैदल जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भी नहीं जा पाती, चल तो मैं भी नहीं पाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया चली नहीं मैं, स्कूटी से आना जाना लगा रहता है। छोटे को खांसी हो रही है, इसलिए फिर मैं उसे पैदल ही पैदल लेके जा रही थी। थोड़ा मतलब मॉर्निंग में धूप सिकाई भी हो गई मेरी। रुको भाई, क्या टाइम लगा रहे हो यार, इतना तब भाग रहे हो। ये देखिए ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये भी मुंशियारी की है। आइए भाभी आइए यार, मत शर्माइए, आइए। भाग रहे हो आप तो, ये लोगों ने इतना रेस लगा दिया, स्कूटी में ही जाती है ज्यादातर ये। अच्छा लेकिन पैदल देखो, पैदल भी रेस लगाती है यार, बहुत बाप रे। तभी तो मोटा कम होगा। हाँ यार सही कह रही है, मैं तो इतनी हाय थक गई यार दौड़ते दौड़ते। चलो हम लोग स्कूल छोड़ के आ गए, आजकल ये भी इसकी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जा रही है, सुबह सुबह घूमते घूमते वॉक भी हो जा रहा है, धूप सिकाई भी ना गंदी होती है भाई। हाँ यार स्कूटी में जाना मत, वही तो मोटा वॉक। इनको पता नहीं क्यों शर्म आ रही है, ये रेस लगा रही है। थोड़ा रुक जाइए भाभी यार, इतना क्या शर्मा रहे हो यार। ओ भाभी रुक जाओ यार, थोड़ी अपनी शक्ल तो दिखा दो, सूरत तो दिखा दो, दिखा दो यार, यार इतना क्या शर्मा रहे हो यार, दिखा दो यार, एक झलक तो दिखा लो, दिखला जा प्लीज बाप।
ये है वो चली गई रोडी रो, वो भाभी ने तो अपनी शकल भी नहीं दिखाई यार, पता नहीं क्यों शर्म आ रही है उसे। भाग गई वो तो, भाग गई यार, पता नहीं क्यों शर्म आ रही है इतना। अब वो भाभी दूध लेने चली गई, वो तो हमसे फेस नहीं कर रही, शायद कैमरा के सामने आने से थोड़ा मतलब वो कर रही है, वो झिझक रही है। अभी धूप से इतनी क्लियरिटी भी नहीं आ रही है। ये देखो, ये हमारी छोटी सिस्टर है, हमारे सामने ही रहती है। देखो हमारी भी भाभी, देखो इनको देखने के लिए आप बहुत बेताब होंगे। भाभी हाय तो बोल दो, हाय बोल दो, आगे बच्चे को छोड़ के। आप तो यार वैसे इतने फिट हो, फिर भी रोज आप पैदल ही जाते हो, बहुत फिट हो यार आप, एक्सपर्ट हैं यार ये बहुत। जितनी दुबली पतली लगती है ना, एनर्जी भी फुल है इनके पास। ये देखिए आप, ये एक दो दिन पैदल आई थी, अब और स्कूटी से जा रही है, ये भी थक चुकी है, ये भी थक चुकी है, ये भी अब थोड़ा बेचारी एक दो दिन थोड़ा पैदल थी लेकिन अब थक चुकी है। भाभी दूध लेके जा रही है, इनकी सारी तैयारियां हो गई, नाश्ता वास्ता सब बना लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया इन्होंने, अब घर जाके ये अब अपने रोजगार में जड़ रहेंगे। यहाँ देखिए इतना बड़ा फ्रेंड्स हमारे, यहाँ देखिए इतने सारे मकान बन चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे मतलब जगह यहाँ पूरा भर चुका है। यहाँ देखिए ये, इसको भी देख लीजिए आप, ये यहाँ तो ये कितना बड़ा, इतना बड़ा, सबको डराते रखते हैं। सब चले गए, तो सुना सुना आया, सब छोड़ गया आगे शायद ना स्कूल से। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं घर पहुंच गई हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं, नज़दीक ही था। भाभी आइए, चलो ये भी अपने घर जा रहे हैं, बैठो भी, चाय वाय पी के जाओगे? नहीं यार जाते हैं। अच्छा बहुत काम हो रहा है, ठीक है मैं अपने घर पहुंच गई। प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक करना, ठीक है, रेनू रावत ब्लॉग का, ठीक है, ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं घर पहुंच गई हूँ, बाप रे बहुत थकान हो गई पैदल पैदल चलते चलते, हुई बाप रे यार बहुत थक गई। घर पहुंच गई हूँ मैं, अब चलो, मेरे बाल भी वाइट हो रहे हैं, मैं थोड़ी काली मेहंदी कर देती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद, अभी मैंने पूजा भी नहीं कर रखी, अभी मैं पूजा करूँगी, फिर काली मेहंदी लगा के, फिर सर धो के, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी ऑफिस के लिए, फिर ऑफिस में ऑफिस चलती हूँ मैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है, अभी मेरी मम्मा पूजा कर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मा पूजा कर रही है, यहाँ आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी मम्मा पूजा कर रही है अभी। हेलो, अभी मेरी मम्मा को थोड़ी देर पूजा करती है, फिर क्या बोलते हैं आ जाएगी थोड़ी देर में, फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हम। फ्रेंड्स ये देखिए आ गई मेरी मम्मा, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है, मैंने मंदिर में दिया जला दिया है, अब मैं थोड़ा अपने बच्चों को देखती हूँ कि उन्होंने पढ़ाई करी नहीं करी, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं इनके, पढ़ते बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान देना पड़ता है। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँची, 6 o'clock में घर पहुँची हूँ, हाँ क्या करें बहुत थक चुकी हूँ। हेलो बेटा, होमवर्क कर लिया आपने? होमवर्क भी नहीं करते हो ना आप स्कूल से आके, टी वी देख रहे हो क्या, बताओ बोलो। ओके बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे को देखती हूँ कि पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो जरा देख तो लो। देखती हूँ मेरा बेटा कितनी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आ रहे हो पढ़ाई करो। हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो आप ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है बेटा पढ़ो फिर। हाँ ठीक है गाइस बाय। ठीक है मैं भैया को देखती हूँ जरा होमवर्क कितना कर लिया उसने, ठीक है ओके बाय। अभी ऑफिस से आके मैं इसको स्कूल का होमवर्क करा रही हूँ, बेटा लिखो जैसे मैम ने लिखा है वैसे लिखना, ठीक है बेटा? ठीक है, गुड बॉय, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, चलो बेटा लिख लो। मेरी मम्मा अभी पूजा करके आई है, और अभी मेरी मम्मा स्वेटर बिन रही है, मम्मा ने चाय भी पी ली और मैंने दूध और बिस्किट भी खा लिया, मेरे भाई ने भी दूध और बिस्किट खा लिया, मेरे मम्मा भाई को भी होमवर्क करा रही है अभी, ये देखो, और मम्मा स्वेटर भी बन रही है। और मम्मा आप बताओ स्वेटर के बारे में, ये कलरफुल, तो मैंने सोचा कि ये हाईनेक बना लेती हूँ इसके लिए, ये जिद कर रहा था कि यार हाईनेक बना दो मम्मा, हाईनेक बना दो, तो ये देखिए कलरफुल यूजलेस
ऊन का मैं ये स्वेटर बना रही हूँ कलरफुल। अभी तो ये आगे का पल्ला बनाया, अभी पीछे का फिर वो आस्तीन भी बचा है, ये पूरा हो जाएगा ना बेटा, तो फिर हम इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है, यहीं पर हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। ओके बाय बाय।